अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल किचन विद रबी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए झटपट से बनने वाली हेल्दी फूड रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी मेयो सैलेड ब्रेड रोल। बहुत ही मज़े के ये ब्रेड रोल बनके तैयार होते हैं, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम सैलेड तैयार करते हैं। एक बाउल में डालते हैं मेयोनीज 4 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं 3 टेबलस्पून, चीनी अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच के साथ ही हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे। क्रीम और मेयोनीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 कप बॉयल की हुई मैक्रोनी, 1/2 कप कैबेज चॉप की हुई, 1 खीरा चॉप किया हुआ, 1 टमाटर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा क्रीमी मेयो सैलेड तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड पे करते हैं, ब्रेड के किनारे काट लेते हैं। 6 से 7 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, इन सब के अच्छे से किनारे काट लेते हैं। तो अब हम इन ब्रेड स्लाइस को एक रोलिंग पिन से इस तरह से बेल लेते हैं ताकि जब ब्रेड को रोल किया जाए तो ये टूट ना पाए। अब एक ब्रेड स्लाइस रखते हैं इस तरह, इसकी एक साइड पे 3 चम्मच भर के क्रीमी सैलेड रखते हैं। इसे हम अच्छे से सेट करते हुए रोल करेंगे, लेकिन एक किनारे को पानी लगा के हल्का सा गीला कर लेते हैं ताकि ये रोल अच्छे से बंद हो जाए। इस तरह से हमने इसके एक किनारे पर पानी लगा लिया है तो अब हम इसे टाइटली बंद करेंगे ताकि ये खुल ना पाए। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से बंद हो चुका है। तो आप देखिए माशाल्लाह हमारा क्रीमी मेयो सैलेड ब्रेड रोल तैयार है। बाकी के भी इसी तरह से बना लेंगे। तो अगर आप इसे लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो इन्हें किसी सीलिंग पेपर या फिर बटर पेपर में इस तरह से कवर कर लें, ये बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं और किसी भी बेकरी से ये कम नहीं लगते। तो अब आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हेल्दी क्रीमी मेयो सैलेड ब्रेड रोल तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना ख्याल रखिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।